विद्यार्थी हो, दौरान त्राण आसपास पर्यावरण अभ्यास पूरक मूल्यांकन परीक्षा बे, तो विद्यार्थियों तमारे समय बे कलाकनो हशे, कुल गुण 40। तमे ऊपर लखेलू छे विद्यार्थी नु नाम, त्या तमारे स्वच्छ अक्षरे तमारू नाम वर्ग नंबर लखवानु छे, बराबर छे। तो पेपर में तमे केवी रीते, बीजी वार बोलू छू विद्यार्थियों, पूरक मूल्यांकन कसोटी बे, समय बे कलाक, कुल गुण 40। विद्यार्थी नु नाम लखवानु छे, वर्ग नंबर अने बराबर छे। तो तमने पेपर केवी रीते लखवानु छे तेनी समझूती आपी दऊं छू विद्यार्थियों। नीचेना दरेक प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला बॉक्समां लखो, बराबर छे। ते तमारे लखवानुं छे। पहला तमारो ऑब्जेक्टिव छे, तेमने हुं समज पाड़ी दो पहला केवी रीते तमारे लखवानुं छे। जे व्यक्तिओ जोई शकती नथी तेमना वांचन माटे कई लिपि वपराय छे, तो ब्राह्मलिपि, हिंदी लिपि, लोकलिपि के ब्रेल लिपि, चार ऑप्शन आपवामां आप्या छे। एमां तमारे साचो जवाब शोधीने तेनो सामे बॉक्समां तमारे लखवानुं छे। क होय तो क, ड होय तो ड, बराबर छे, એવી રીતે તમારે લખવાનું છે। પછી બીજ 1-8 સુધી તમારે એવી રીતે ઓબ્જેક્ટિવ એટલે વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા છે, એ વિકલ્પો તમારે સામે બોક્સમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને તમારે લખવાનું છે। એવી રીતે બીજો પ્રશ્ન છે, યોગ્ય શબ્દ વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો, बराबर छे। खाली जगह पूरवानी छे विद्यार्थियों, ब्रेल लिपि खाली जगह पर आधारित छे, बराबर छे। ते तमारे साचो जवाब अंदर लखवानु छे। गाय भैंस बकरी आपने खोराक तरीके खाली जगह आपे छे, ते तमारे लखवानु छे साचो जवाब। टीम्बाए माटी खोदवा मरगलानी खाली जगह लावा कयू, बराबर छे, खाली जगह लावा कयू, ते तमारे लखवानु छे खाली जगह में। बरफना घनने खाली जगह कहेवामां आवे छे, ते पण तमारे लखवानु छे विद्यार्थियों खाली जगह में। तमारे स्वच्छ अक्षरे खाली जगह लखवानी छे। खाली जगह तमारे 1-8 आपवामां आवी छे, ते तमारे खाली जगह में साचो जवाब लखवानुं छे। आपना घरे टपाल आपवा खाली जग्या आवे छे। भारतनी राष्ट्रीय रमत खाली जग्या छे। घोड़ानी रहेठाण खाली जग्या छे। बाळको ताल संगीत साथेनी खाली जग्या रमत रमता हता, बराबर छे। प्रश्न नंबर 3, ते पण केटला मार्क्सनुं हशे? 8 मार्क्सनुं हशे, बराबर छे। तो नीचेना विधानोमांथी साचा विधानो सामे साचानी अने खोटा विधानो सामे खोटानी निशानी करो, बराबर छे। तमारे खरा खोटा करवाना छे, बराबर। ते तमने 1-8 प्रश्नो आपवामां आव्या हशे, ते तमारे जोवानुं छे। सीमाना दादी ओछुं सांभळे छे तेथी समाचार पत्र मोटेथी सांभळवुं पड़े छे, साचुं के खोटुं तमारे लखवानुं छे। कार्य करवानी शक्ति फक्त फळ खावाथी ज प्राप्त थाय छे, बराबर, ते तमारे लखवानुं। कूवाए पानी आपवा माटे कागड़ाने डोल लावा कयो, साचुं छे जे खोटुं ते तमारे लखवानुं छे। बहुमाळी इमारतोमां 5થી વધુ માળ પણ હોય છે, તે તમારે સાચું છે કે ખોટું તે લખવાનું છે। મોબાઈલ સમાચાર માધ્યમનું હાથવગું સાધન છે, સાચું કે ખોટું તે તમારે લખવાનું છે। ચેસની રમત માટે 4 ખેલાડીઓ જ હોવા જોઈએ, ચેસની રમતમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોવા જોઈએ, તે તમને સાચું છે કે ખોટું તે તમારે લખવાનું છે। બિલાડીની આપના ઘરમાં રહેતું પ્રાણી છે, સાચું તો ખોટું, સંયુક્ત કુટુંબમાં બાળકનો યોગ્ય ઉછેર થાય છે, સાચું કે ખોટું। બંધ બેસતા જોડકા ઉત્તરખાનામાં વિભાગ બ ની વિગત લખો, વિભાગ અ અને વિભાગ બ। વિભાગ બ માં તમને જવાબ આપવામાં આવ્યા હશે, તે જવાબ તેમાં પસંદ કરીને તમારે ઉત્તર લખવાનું રહેશે, જેવી કે પતંગિયું
कांचीडो अजगर गधेड़ो बराबर तेमा सामने जवाब आपवामां आव्या छे। भाड़ू पड़ना प्राणी सरकीने चाले रंगबेरंगी जीवजंतुओ खेती माटे उपयोगी रंग बदलनार प्राणी जे पण साचुं होय ते तमारे अंदर उत्तर जे लख्युं छे तेमां लखवानुं छे। एवी रीते ब प्रश्न नंबर चार नुं ब जोईशुं ते तमने चार मार्क्सनुं आपवामां आव्युं हशे। जोड़का पण चार मार्क्सना हशे तेमां प्रश्न चारनू ब जोईशुं। विद्यार्थीओ प्रश्न ब नीचेली आपेली रमतोनुं घरमां रमाती अने बहार रमाती वर्गीकरण करो। तमारे घरमां रमाती रमतो अने बहार रमाती रमतो विशे तमारे वर्गीकरण करवानुं छे। तो ऊपर ऑप्शन आपवामां आव्या छे कैरम छे लंगड़ी क्रिकेट बराबर छे चेस सापसीढ़ी पतंग पगथिया पाजी बाजीपत्ता संताकुकड़ी। तो घर में रमाती रमतो कई छे अने बहार रमाती रमतो कई छे ते तमारे अंदर लखवानुं छे। एवी ज रीते विद्यार्थीओ नीचे प्रश्न नंबर पांच नीचेना प्रश्नोना उत्तर एक बे वाक्य में लखो गमे ते आठ आठ प्रश्नों आपवामां सॉरी दस प्रश्नों आपवामां आव्या हशे तेमांथी तमने जे आवडता होय एवा आठ प्रश्नों तमारे लखवाना छे। ते केटला मार्क्सना हशे आठ मार्क्सना हशे। रविभाई शुं काम करे छे बराबर छे। बीजू छे तमारा घरे रसोई माटे कया कया मसाला वपराय छे। त्रीजू छे तमारा कुटुंबमां कोण कोण रहे छे। चौथू कागड़ाए लुहार पासेथी दातरું શા માટે માંગ્યું। તમારા ગામમાં કયા કયા કારીગરો રહે છે। કાચું મકાન કોને કહેવાય। પોસ્ટ ઓફિસમાંથી શું શું મળે છે બરાબર। ટેલિફોન કે મોબાઈલ પર તમને કોની કોની સાથે વાત કરો છો બરાબર છે। નવમું છે કેતન અને તેના પિતા ક્યાં રહે છે। દસમું છે હાઉસબોટ શું કામમાં આવે છે। તમારે દસ પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે દસમાંથી તમને તમારે આઠ જ પ્રશ્નો લખવાના છે જે તમને આવડતા હોય તે તમારે લખવાના છે। એવી રીતે તમારું આ પેપર પૂરું થાય છે વિદ્યાર્થીઓ ઓલ ધ બેસ્ટ। તમને સારી રીતે પેપર લખજો। અલ્લાહ હાફિઝ।